hello students welcome to teacher sadda teacher sadda mein aap sabhi ka swagat hai this is your faculty for science amit singh in front of you and today we are going to prepare स्पेशल सेशन जिसमें हमारी थर्टी क्वेश्चंस हैं और थर्टी क्वेश्चंस की हम सोल्यूशन करने वाले हैं लाइव ऑन टीचर अड्डा एवरी डे जो हमारी टाइमिंग है आठ बजे और डी ट्रिपल एस बी टी जी टी पी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अपकमिंग बैच है मैं बता दूं साढ़े आठ से दस के बीच इक्कीस अप्रैल को स्टार्ट हो रही है ये टी फाइनल प्रिपरेशन टारगेट बैच स्टार्ट हो रही है जिन लोगों ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया अपने प्रिपरेशन के लिए वो इस बैच को एनरोल uh, कर लेंगे इस बैच में अपनी एनरोलमेंट ले लेंगे और वो बच्चे जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आरपीएससी की तैयारी के लिए भी सीनियर टीचर के लिए अपनी एनरोलमेंट ले सकते हैं अब इस एनरोलमेंट को लेने के लिए करना क्या होगा आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू गो फॉर टीचिंग का महापैक जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए वो भी वैलिडिटी के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है इससे फायदा क्या है कि महा पैक से आपको ये बैच भी मिल गया ये बैच भी मिल गया सिर्फ मेरी इसके अलावा अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टीचिंग के महापैक पे क्योंकि टीचिंग का महापैक मतलब वन शॉर्ट solution फॉर ऑल टीचिंग एग्जामिनेशन whether यू आर preparing फॉर CTET, HTET, RPSC, टेट आर पी एनवीएस हर तरीके की टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बना है टीचिंग का महापैक जिसके लिए आपको बार बार पैसे खर्चने नहीं होते एक बार आप पैसा देते हो टीचिंग का महापैक के लिए एंड यू गेट ऑल सॉर्ट ऑफ प्रिपरेटरी नोट वेदर इट इज रिकॉर्डेड सेशन टू वे इंटरक्टिव सेशन डेली प्रैक्टिस या फिर मैं बात बुक्स की चलिए अब आते हैं आज के सेशन में आज के सेशन में सबसे पहला सवाल क्या है टाइमर के साथ सवाल दिया गया है जिससे 30 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर आपको हर एक सवाल को सॉल्व करना है तो पहला सवाल मास्टर uh, केडर की तैयारी भी करवाओ बेटा प्रियंका उसके लिए भी बैच आ जाएगी टेंशन ना लीजिए टीचिंग के महापैक में हर चीज की है ना टीचर की टीचिंग के महापैक में हर चीज की तैयारी होती है तो अगर मास्टर केडर के लिए भी पहचानी होगी तो वो भी जल्दी आ जाएगी आपके मांग पर पहला सवाल अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाथ्स विल बी ट्रैवर्सड बाय द पार्टिकल सर्कल पैराबोलिक ग्रेट सर्कल या हाइपर पैराबोलिक एक टावर के ऊपर से गिरा हुआ कण समान दूरी पर जमीन पर गिरता है जो टावर की ऊंचाई के बराबर होता है निम्नलिखित में से कौन से पथ कण द्वारा फंस जाएंगे सर्कल परवलयिक, महान सर्कल या हाइपर पैराबोलिक यो टाइम स्टार्ट नाउ जल्दी से जवाब देते चलेंगे तो पहले सवाल का जवाब आ चुका है शालिनी ने जवाब दिया है पैराबोलिक प्रियंका ने भी जवाब दिया है प्रीति गौतम ने भी दिया है तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसकी जो पाथ होती है परवलयकार यानी पैराबोलिक हो जाती है उस रेस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का सही जवाब होता है बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय नॉल एंड रस्का रॉबर्ट कोच ल्यूवन हॉक या सीपी स्वानसन टाइम है स्टार्टेड, बताइए दूसरे सवाल का जवाब क्या होगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का uh, आविष्कार किसने किया नॉल एंड रश का रॉबर्ट कोच ल्यूवन हॉक या सीपी स्वानसन जवाब काफी तेजी से आ रही है नॉल एंड रश का नॉल एंड रश का नॉल एंड रश का क्या बात है वोनिका यामिनी वनीषा नारंग बिल्कुल सही जवाब द करेक्ट आंसर गोस टू नॉल एंड रश का समय रहते सभी के जवाब आ रहे हैं इससे बेहतर और कुछ नहीं होता

वेपोराइजेशन डिफ्यूजन या फिर सब्लिमेशन योर टाइम हैज स्टार्टेड यामिनी शर्मा सवाल देखते ही जवाब आ चुका है दिव्या शर्मा दिव्या प्रिया सभी का जवाब सी है देखते हैं बाकी लोगों का क्या कहना है लेफ्यूजन डिफ्यूजन 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 तो इसे लॉक कर दिया जाए विसरण ही वो विधि होगी जिससे द्रव हो ठोस हो या गैस हो उनके अणु हो परमाणु हो या आयन हो उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की ओर जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ये परिवहित हो जाए ट्रांसपोर्ट किए जा सके तो उस विधि को हम डिफ्यूजन कहते हैं तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाता है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर सर मैं आपका पे, मुझे बायो समझ में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभय कुमार जी जहां दिक्कत आ रही है जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है आप पेड क्लासेस में बताया करें है ना जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये प्रॉब्लम है इसको जरा बता दे तो मैं आपको बताऊंगा हां जी अगला सवाल क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ कहते हैं कि साफ रातें ठंडी रातों की वजह से ठंडी होती हैं साफ रातें जो है ठंडी रातों की वजह नहीं कि आ, रेस्पेक्ट में या फिर आपके uh, कह सकते हो कि कंपैरिजन में ज्यादा ठंडी होती हैं चालन की वजह से संक्षेपण की वजह से विकिरण की वजह से या इंसुलेशन की वजह से द टाइमिंग स्टार्ट नाउ सर प्रसारण क्या होता है प्रसारण का मतलब होता है ट्रांसमिशन एंड परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ठीक है हाँ जी तो पहला जवाब कुटन की तरफ से आया है सर कंडक्शन होना चाहिए कंडक्शन मतलब ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा जो ठंडी रातें होती हैं जो ठंडी रातें होती हैं कंडेंसेशन जवाब गलत आया है राकेश कुमार यादव ने कंडेंसेशन कहा है ये भी गलत जवाब आया है मोनिका सैनी का भी जवाब गलत है और प्रीति गौतम का भी जवाब गलत है कुटुन भट्ट आपका जवाब एक कंडेंसेशन आपने दिया था वो भी गलत था कंडक्शन चालन गलत था। रेडिएशन विल बी द राइट आंसर क्योंकि आप सबको समझना होगा कि पूरे दिन जब सूरज की गर्मी पृथ्वी पर पड़ती है यानी अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ की जो मैक्सिमम रीजन होती है वो क्या हो जाती है गर्म हो जाती है संध्याकालीन बेला पे संध्याकालीन बेला में जब यही हीट वापस ऊपर निकल रही होती है तो बादलों की वजह से वो ट्रैप हो जाती है जिससे और माहौल में गर्माहट फील होती है उसे ही हम उमस या ह्यूमिडिटी कहते हैं तो साफ रातें ज्यादा ठंडी होती है विथ रेस्पेक्ट टू क्लाउडी नाइट्स बिकॉज शांत रातों में जो जियोथर्मल रेडिएशन होता है आसानी से एस्केप कर पाता है इनटू द एटमॉस्फेयर लेकिन अगर बादल भरी रातें हों तो संध्याकालीन बेला के उपरांत यानी शाम के बाद जो जियोथर्मल रेडिएशन होता है वो ट्रैप हो जाता है बादलों से जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन विल बी द राइट आंसर मुझे उम्मीद है सभी को चमका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन वॉटर एयर ग्लास और ग्लिसरीन जो ध्वनि की गति है वो सबसे ज्यादा तेज कहां है जल में हवा में शीशे में या फिर ग्लिसरीन में योर टाइम स्टार्ट नाउ दयाशंकर परासरण पूछा सर ऑस्मोसिस बेटा जब भी ऑस्मोसिस की बात आएगी परासरण की बात आएगी तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि परासरण एक ऐसी विधि है जो ठोस और द्रव गैसों के लिए डिफाइन यानी परिभाषित नहीं की गई यह सिर्फ द्रवित अवस्थाओं के लिए यानी जल के लिए ही मान्य है जब जल के अणु या परमाणु या आयन निम्न सांद्रण क्षेत्र से उच्च सांद्रण क्षेत्र की ओर मूव करें वाया अमीपर्मीएबल यानी पारगम्य झिल्ली के द्वारा तो उसे हम परासरण यानी ऑस्मोसिस कहते हैं मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दयाशंकर कुमार जी तो पांचवे का जवाब आया है ऑप्शन नंबर सी ग्लास में सबसे ज्यादा ध्वनि तेज होती है तो यह बात समझने वाली भी है क्योंकि साउंड की जो इंटेंसिटी है यानी जो इंटेंसिटी यानी तीव्रता जो है ध्वनि की इंटेंसिटी ऑफ साउंड इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स अब ठोसों में ध्वनि की जो तीव्रता है वो ज्यादा क्यों है तो उसकी वजह ये है कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम इन सॉलिड स्टेट इज मैक्सिमम जो कणों का कंपन है ठोस अवस्था में वो सबसे ज्यादा होता है द्रवित अवस्थाओं में कणों का कंपन ठोस के रेस्पेक्ट में कम होता है और गैसीय अवस्था में अगर मैं बात करूं तो जो कणों का कंपन है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है वो सबसे कम है इसीलिए ध्वनि की तीव्रता गैस में सबसे कम द्रव में कम और ठोस में ज्यादा दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम जल को देखें तो द्रव है ग्लिसरीन को देखें तो द्रव है हवा और ग्लास को देखें तो हवा गैस है और ग्लास ही एक सॉलिड है तो सबसे ज्यादा हवा की गति ध्वनि की गति किस में होगी शीशे में होगी यानी ग्लास में होगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अगला सवाल सर आज तो सर आप फुल हिंदी में ही बोल रहे हो नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है जहां इंग्लिश इज रिक्वायर्ड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विथ अप्रोप्रिएट इंग्लिश और टर्म्स और एनालॉजीज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टर्म और टॉपिक जहां आपको जरूरत हो अंग्रेजी भाषा में हिंदी भाषा में आप मुझसे कहे मैं आपको पूरी बात समझाने की प्रयत्न करूंगा

गया कि जो गैस तापमापी है वो ज्यादा सेंसिटिव है किसकी तुलना में तो एक द्रवित तापमापी के उपलक्ष में उपलक्ष कह रहे हैं तुलना में बिकॉज अ गैस इज लाइटर देन लिक्विड क्योंकि गैस जो होती है हल्की होती है द्रव से एक्सपैंड मोर देन लिक्विड ज्यादा फैलती है द्रव के रेस्पेक्ट में इज इजी टू ऑपटेन आसानी से प्राप्त होती है या डज नॉट चेंज स्टेट इजिली आसानी से अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करती ऑप्शन नंबर बी आया है जवाब क्वेश्चन नंबर सिक्स का और जितने लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी बेटा ये गलत जवाब है ऑप्शन नंबर बी गलत जवाब है गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव दैन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज इट डज नॉट चेंज इट स्टेट इजिली जल्दी से अपने अवस्था का परिवर्तन नहीं करती इसीलिए गैसी थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज इट इज मोर सेंसिटिव इनफैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि सेंसिटिव है तभी इस्तेमाल किया जाता है जरूरी यह यह है कि ये अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करता लिक्विड थर्मोमीटर अगर हाई टेम्परेचर में चला जाए तो वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है लेकिन अगर गैस थर्मोमीटर को देखे तो वो जल्दी फ्रीज होकर सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में नहीं आता सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर पहले जितने लोगों ने बी दिया था उनका जवाब गलत है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिंग फॉर सन ग्लासेज सन Glasses, आज गर्मियों के दिन में काफी पारा चढ़ा हुआ है दिल्ली गुड़गांव में 40 प्लस डिग्री तापमान चल रही है तो इस दौरान जब आप बाहर निकलते हैं तो आप सनग्लासेस का गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं वो गॉगल्स किस ग्लास से बनी हुई होती है पायरेक्ट से फ्लेंट ग्लास से क्रुक्स ग्लास से या फिर क्रिस्टल ग्लास से आपका बयान क्या होगा योर टाइम स्टार्ट नाउ जियाउल जिया, जिया प्रीति गौतम जितने लोग हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे ताकि मैक्सिमम लोग इसको पार्टिसिपेट कर पाए और जवाब दे पाए सेवन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्रुक्स ग्लास से बनती है क्रुक्स ग्लास से बनती है गॉगल्स या yes, uh, uh, आपके सनग्लासेस सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एट द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस कहता है कि अगर किसी माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की गति बढ़ जाएगी घट जाएगी एक जैसी रहेगी या अचानक से गिर जाएगी क्वेश्चन नंबर एट का जवाब क्या देते हैं आप सब योर टाइम स्टार्ट नाउ आर्थी माहौर बिल्कुल सही जवाब अनऑल्टर्ड रहेगा मतलब कोई बदलाव नहीं होगी एकाकी हो जाएगी इट विल बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी क्यों भाई तापमान पर स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करती क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पहले से ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बिलोंग करती है जिसका सोर्स खुद सूरज है अगला सवाल कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे कपड़े ठंड के मौसम में हमें गर्म रखते हैं क्योंकि सप्लाई हीट वो ऊष्मा प्रदान करती हैं डू नॉट रेडिएट हीट यानी ऊष्मा का विकिरण नहीं कराती प्रिवेंट एयर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द बॉडी हवा को शरीर से स्पर्श नहीं होने देती या प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग शारीरिक जो ऊष्मा है उसको बाहर नहीं पलायन करने देती क्या होगा सही जवाब दयाशंकर कुमार सोलॉर आर ऑल आर गुड क्वेश्चन बेटा इसीलिए तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को कराया जा रहा है नाइन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही था ऑप्शन नंबर डी बॉडी की हीट को भगाने भागने से रोकता है अगला सवाल question number 10, in a refrigerator, fridge, जिसे आम भाषा में आप कहते हो in a refrigerator, what produces the cooling? जो शीतलन उसमें निर्मित होती है वो कहां से आती है द आइस विच डिपोजिट ऑन द फ्रीजर जो फ्रीजर में आइस डिपोजिट होती है बर्फ जमी होती है उसकी वजह से वो शीतलता महसूस होती है द सडन एक्सपेंशन ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस अचानक से एक आ, संकुचित गैस का फैलाव होता है जिसकी वजह से शीतलन निर्मित होती है इवापोरेशन ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड एक वाष्पशील तरल का वाष्पीकरण या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी बयान सही नहीं है क्वेश्चन नंबर टेन द करेक्ट आंसर गोस टू मोनिका सैनी आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस अचानक से एक संकुचित गैस का फैलाव शीतलन का कारण बनता है आपने देखा होगा आर थर्टी टू या आर थर्टी सिक्स बोल के गैस भरी जाती है आपके एसी में जब रिफिलिंग होती है या ठंड कम करने लगती है तो उस दौरान आर थर्टी टू या आर थर्टी सिक्स नाम की एक गैस भरी जाती है जिससे वापस से चिलिंग आ जाती है तो ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन दैट गैस इज बींग कंप्रेस्ड विच ऑन अ अटेन एक्सपेंशन एक्सपैंड रेट विच क्रिएट कूलिंग या विच प्रोड्यूस कूलिंग जिसे हम हिंदी में शीतलन कहते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं वाई आर वी एबल टू शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट वेल लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट जो कम दूरी पे ब्रॉडकास्ट हो रही होती हैं। uh, एक बच्चे ने दयाशंकर ने पूछा था एग्जैक्टली हाँ, exactly, कि uh, सर um, uh, क्या आपने एक बड़ा हिंदी का अच्छा वर्ड चूज किया था ब्रॉडकास्ट का हिंदी वो था एग्जैक्टली exactly. ट्रांसमिशन जिसकी हिंदी मैंने बताई थी तो बेटा जो प्रसारण इनफैक्ट प्रसारण तो जो छोटी धाराओं वाला प्रसारण होता है वो अच्छी से सुनाई देती है और जो लंबी दूरी का प्रसारण होता है वो अच्छे से सुनाई नहीं देती वजह क्या है शॉर्ट वेव्स वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग छोटी लंबी तरंगों की तुलना में अधिक ऊर्जावान होती हैं शॉर्ट वेव्स आर अनफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस लघु तरंगे वायुमंडलीय गड़बड़ी से अप्रभावित रहती हैं शॉर्ट वेव्स ब्रॉडकास्ट आर मेड बाय नियर बाय रेडियो स्टेशंस पास के रेडियो स्टेशनों द्वारा लघु तरंग प्रसारण किया जाता है बाई कन्वेंशन शॉर्ट वेव्स आर मेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसिस वेर एज लॉन्ग वेव्स आर रिजर्व फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज अधिवेशन से छोटी तरंगे लंबी दूरी के लिए होती हैं, जबकि लंबी लहरें छोटी दूरी के लिए आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा ए होगा बी होगा या डी होगा ऑप्शन नंबर डी शालिनी बदोनी कहती हैं और उनका जवाब बेटा गलत है बाई कन्वेंशन शॉर्ट वेवस आर ऐसा कुछ नहीं कि बस मान लिया गया है कि छोटी तरंगों के लिए लंबी दूरी ऐसा नहीं है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट वेव आर मोर एनर्जेटिक ये ऊर्जावान ज्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग वेव क्योंकि जितनी लंबी तरंगे होंगी उसकी फ्रिक्वेंसी या इंटेंसिटी अगर कहो तो वो कम हो जाएगी तो उस रेस्पेक्ट में हमारा सही जवाब क्या होगा कुदोशिया आफरीन आपका जवाब बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप सडनली अचानक से जब जब बैरोमीटर का माप गिर जाता है इट इज एन इंडिकेशन ऑफ तो वो किसका सूचकांक है हॉट वेदर वेदर यानी यानी गर्म मौसम का, काम वेदर, शांत मौसम का यानी तूफान का का काम शांत स्टॉर्म तूफान या ड्राई वेदर यानी शुष्क मौसम का क्या होगा जवाब बताइए द बैरोमीटर रीडिंग सडनली ऑप्शन नंबर सी स्टॉर्म की है ना तूफान का संकेत देता है तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर अगर अचानक से नहीं गिरता अगर मैं कहता हूं कि वो स्टेबल रहता है या अचानक से बढ़ने लगता है तो वो किसका सूचकांक होता है साफ मौसम का तो सही जवाब इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर अगला सवाल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का इनमें सबसे अच्छा सुचालक कौन है ड्राई एयर यानी शुष्क हवा पेपर यानी कागज केरोसिन मिट्टी का तेल या फिर ग्रेफाइट बताइए क्या होगा जवाब शालिनी ने पहले ही जवाब दे दिया तो है सर ग्रेफाइट होना चाहिए मेटल्स में अगर बात की जाए तो बेटा सबसे पहले सिल्वर फिर आती है कॉपर फिर आती है अल्यूमिनियम देन आती है आपकी आयरन इस बात का ध्यान रखिएगा यस सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर एक गैर नवीकरणीय स्रोत है बायोगैस सोलर विंड या कोल जो नॉन रिन्यूएबल है जिसे बाद में हम निर्मित नहीं कर सकते बच्चे जितने लाइव हो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो एक बार लाइक जरूर कर दो एक अंगूठा दबाने से सब्सक्राइब कर लेने से फायदा आपको है रोजाना की सेशन की टाइमिंग आपको पता चल जाती है जैसे ही सेशन लाइव होगी तो आपको इंटीमेशन दे दी जाती है तो एक बार घंटा जरूर बजा दें सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो लोग वाकई में अपनी स्थिति को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाने की सोच रखते हैं यानी सिलेक्शन लेने की सोच रखते हैं वो रोजाना सेशन को अटेंड किया करें आप सभी के लिए सिलेक्शन सीरीज की जो सेट चल रही थी उसमें प्रॉपर इनपुट ना आते हुए मैंने फिर से एक स्पेशल सेट ऑफ सैंपल पेपर्स तैयार किया है जिसमें फोर्टी सैंपल पेपर्स मैंने रेडी किए हैं चालीस सैंपल पेपर्स की डिस्कशन कल से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ संध्या आठ बजे मतलब शाम आठ बजे से डी

जी इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डी में कोई दो राय नहीं थी कोल जो है एक बार खपत हो गई जिससे हम ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहते हैं तो वो दोबारा नवीकरणीय नहीं है यानी नॉन रिनेबल रिनेॉन रिनेबल है अगला सवाल सोलर एनर्जी इज एनर्जीड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है किस विधि के दौरान ट्रांसपीरेशन वास्पोत्सर्जन के दौरान फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान डिफ्यूजन यानी परासरण के दौरान विसरण के दौरान या फिर ऑस्मोसिस यानी परासरण के दौरान बताइएगा क्या होगा जब स्वाति जी का फर्स्ट क्लास है एंड आई होप स्वाति जी आपको अच्छा लग रहा होगा कोई बात नहीं बेबी आप आराम कर लो जब तबियत ठीक होगी तब बाद में आप देख लेना पार्टिसिपेट करना फोटोसिंथेसिस 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 मतलब प्रकाश संश्लेषण की विधि में जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है किसी को कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है इसमें अगर आप देखो तो ट्रांसपिरेशन में क्या हो रही है जो अंदर की फ्लूड है वो इवापोरेट हो रही है तो इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ स्टेट डिफ्यूजन में ही चेंज ऑफ स्टेट है ऑस्मोसिस भी क्या है ट्रांसपोर्टेशन की एक फेज है लेकिन जिसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि है जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द टर्म इक्विनॉक्स मीन्स विश्व शब्द का अर्थ क्या है दाथ विच द अर्थ टेक्स अराउंडी सूर्य के चारों ओर ले जा चक्कर लगाती है उसे हम कहते हैं द एक्सिस ऑफ द अर्थ अराउंड विच इट रोटेट्स पृथ्वी की धूरी जिसके चारों ओर वह घूमती है वेन द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं the time when the sun seems to be going round and round in the sky in the arctic but does not go below the horizon वह समय जब सूर्य आर्कटिक के आकाश में गोल और गोल होता हुआ दिखाई देता है लेकिन क्षितिज से नीचे नहीं आता नो no दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया ऐसे ही लगे रहें रोजाना आप आते रहें यही ज्यादा बेहतर लगता है डे एंड नाइट इक्वल डे एंड नाइट इक्वल तो सभी लोग इस बात पे अपना जोर आजमाते हैं ना कि हाँ सर जब दिन और रात बराबर हो जाए तो उसे ही हम विश्व रेखा या इक्विनॉक्स कहते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इसीलिए एक विंटर इक्विनॉक्स होती है और एक समर इक्विनॉक्स होती है समर इक्विनॉक्स और विंटर इक्विनॉक्स के एक बार डेट सारे लोग कमेंट uh, बॉक्स में लिखेंगे जरा मैं भी तो देखूं समर इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स विंटर इक्विनॉक्स के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं ज्योग्राफी पे थोड़ी सी भी ध्यान गई कि नहीं जब आप सिक्स टू टेंथ के बीच में थे अगला सवाल हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाई जो सूर्य से ऊष्मा निकलती है वो पृथ्वी तक पहुंचती है इसमें तो कोई दो राय नहीं है लेकिन किस विधि से पहुंचती है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन की विधि से कंडक्शन यानी चालन की विधि से रेडिएशन यानी विकिरण की विधि से या फिर कन्वेक्शन यानी संवहन की विधि से हाँ जी क्या होगा रेडिएशन 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 मैक्सिमम लोगों का कहना है सर विकिरण के माध्यम से तो सूर्य जब अपनी ऊर्जा को नीचे पृथ्वी तक लाता है तो इट कम्स इन फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स जो बाएं और दाएं भागती हुई आती है जिसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं इट इज ऑल्सो अ नॉन मैकेनिकल वेव यानी यह एक अयांत्रिक तरंग भी है जो हॉराइजोंटल यानी बाएं बाए दाएँ आ... रेडिएट करते हुए हीट सीधे पृथ्वी तक 500 सेकंड सेकेंड यानी 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंच जाता है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। कहता है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में गतिज ऊर्जा कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पैडलिंग द बाइसाइकिल टू कवर अ डिस्टेंस जब साइकिल को हम पैडल करते हैं एक दूरी तय करने के लिए ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस जब हम गाड़ी चलाते हैं तय करने के लिए विंडमिल ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन या एक विंडमिल जो कि गेहूं के सॉरी गेहूं के दानों को पीसती है रोविंग अ बोट इन द लेक या फिर तालाब में एक नौके को चलाना इनमें से कहां गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस Driving a car to cover a distance, उसमें काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जब आप जाए तो विंडमिल ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन वो भी फूएल का इस्तेमाल कर रही है या फिर शारीरिक बल का इस्तेमाल किया जा रहा होगा अगर हाथ से किया जा रहा होगा तो शालिनी इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है <clears throat> एंड रोविंग बोट इन द लेक अगर आप नदी में अपने नाव को खे भी रहे हैं है ना तब भी आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सही जवाब इसका क्या होगा ऑप्शन right लेकिन एक बार इधन का इस्तेमाल कर लिया गाड़ी चल रही है तो थोड़े दे, थोड़े देर बाद तक वो चलती रहती है मतलब काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट कहता है कि सूर्य विकिरण का वो कौन सा तरंग है है ना विद्युत चुंबकीय जो वर्ण क्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें प्रकाश का वो कौन सा वर्ण है जिसकी वजह से जिसकी वजह से सोलर कुकर भी गर्म हो जाता है क्या वह अल्ट्रा वायलेट रेज है इज इट रेड लाइट इज इट कॉस्मिक रेड रेज या फिर इंफ्रा रेड खुदुशिया आफरीन डी 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 होगा लेकिन बेटा इसका जवाब डी इज नॉट द राइट आंसर यामिनी ने जवाब सही दिया है इंफ्रा रेड इज द राइट आंसर कुटुन ने भी इंफ्रारेड दिया है सबसे पहले बहुत सही स्वाति आपका जवाब ए गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट right आंसर आरती महोर इंफ्रारेड इज द राइट आंसर right प्रीति गौतम दिव्याप्रिया बिल्कुल सही अगला सवाल इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी गति समय अगर ग्राफ को हम देखें किसी एक पदार्थ के लिए उसे रिप्रेजेंट किया है वाई बराबर एम टी प्लस सी देन द पार्टिकल इज मूविंग विथ तब पार्टिकल कैसे चल रही है कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है है y बराबर MX plus C. तो आपको क्या लगता है कि पार्टिकल कैसे चल रही होगी कॉन्स्टेंट स्पीड से कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी से कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन या फिर वराइंग एक्सेलरेशन से मोनिका सैनी स्वाति अंकित कुमार का जवाब यह गलत हो गया बेटा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होगा एक समान

ट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फॉलोइंग में से सबसे पहले क्या घटा पहला बयान एल्बर्ट जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिव ने सापेक्षता का सिद्धांत अनवील्ड द क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी के बारे में सारे दुनिया वालों को बताया गुग्लीमो मार्कोनी सेंट आउट द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल सबसे पहले मार्कोनी ने बेतार का सिग्नल भेजा राइट ब्रदर्स सक्सेसफुली फ्लू एन एयरक्राफ्ट या फिर उसी दौरान राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले हवाई जहाज उड़ाई क्या होगा इनमें से सबसे पहला घटा हुआ घटना और इसका सही बयान है ऑप्शन नंबर सी गुगलीमो Marconi सेंट द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल्स चारों घटनाओं में सबसे पहले होने वाली मार्कोनी की घटना थी करेक्ट ऑप्शन ट्वेंटी वन का सी हो जाएगा ठीक है ना इसकी सही जवाब यामिनी ने दी है अभिनव कुमार ने दिया है क्या बात है बहुत बढ़िया दयाशंकर कुमार जी आपने भी बहुत सही जवाब दिया अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की तरफ चलते हैं पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस एक पैसेंजर जो कि बस में खड़ा है वो बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है व्हेन द बस टेक्स टर्न अचानक से जब बस सडन टर्न लेती है तो वो बंदा जो बस से लटक के खड़ा था वो बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है उस गति की वजह से दिस हैपेंस ड्यू टू तो ये जो घटना घटी किस घटना की वजह से घटी आउटवर्ड पुल ऑन हिम एक बाहरी खिंचाव था उसके ऊपर इनर्शिया ऑफ मोशन गति का जड़त्व, चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग का परिवर्तन या फिर त्वरण में बदलाव इसकी वजह रही और इसका सही जवाब क्या होगा इनर्शिया 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 ऑफ मोशन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर इसका कारण है और बिल्कुल इनर्शिया ऑफ मोशन ही इसका कारण है इनर्शिया क्या करती है बॉडी को ड्रैग कर रही होती है और अचानक से एक लार्जर फोर्स जब एग्जर्ट होता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन इसको खींच के दूसरी ओर लेके जाती है जहां उसका एक कंपोनेंट एंगल बन रहा होता है सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अगला सवाल वेन प्रेशर इज इंक्रीज जब दबाव को हम बढ़ाते हैं तो गलनांक बर्फ का क्या होता है बढ़ जाता है नहीं बदलता घट जाता है या फिर उनकी अंदर जो उपयुक्त अशुद्धियां होती हैं उन पर डिपेंड करता है वेन प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इनक्रीज इज डिक्रीज डज नॉट चेंज और डिपेंड्स अपॉन द इम्प्योरिटीज और इसका सही जवाब दिव्यांश बलियान का जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत है बेटा घट जाएगा जब भी दबाव आप बढ़ाते हो तो गलनांक घट जाता है जैसे एक बर्फ का टुकड़ा आपने लिया एक बर्फ का आपने टुकड़ा ले लिया अब इस बर्फ के टुकड़े के ऊपर अगर धातु के बने एक तार को यानी मेटल एक थ्रेड को लेके आप प्रेस करते हो बहुत हाई प्रेशर से यहां भी आपने हाई प्रेशर दिया और यहां पे भी आपने हाई प्रेशर दिया यहां पे भी आपने क्या दिया हाई प्रेशर दिया तो जब दोनों ओर से आप हाई प्रेशर दोगे तो मेटल कंडक्टर भी है तो हीट को लेते हुए एक तरफ तो वो बर्फ को गलाता जाएगा और कुछ देर बाद वो यहां रहेगा कुछ देर बाद वो यहां दिखेगा लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आता हुआ रहेगा नीचे जाता होगा उसी दौरान ऊपर की जो एरियाज हैं जो उस धातु के गर्माहट की वजह से कटी जा रही थी वो दोबारा पुनः हिरन की पद्धति दिखा देती है यानी रिफ्रीजिंग वाले एक अवस्था में आ जाती है और बाद में आप देखोगे कि ये पूरी जो धातु की बनी थ्रेड यानी जो धागा होती है वो आर पार हो जाती है और बर्फ तब भी दो टुकड़े नहीं होते इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां चालन होता गया वहां वहां गलन भी होता गया लेकिन जहां जहां प्रेशर हटती गई वहां रीफ्रीजिंग होती गई मतलब प्रेशर की वजह से गलनांक जो होती है घट जाती है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा अगला सवाल लॉन्गिट्यूडल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू जो ऊर्ध्वाधर तरंगे होती हैं वो किसके थ्रू नहीं ट्रेवल कर सकती निर्वात के थ्रू ठोस के थ्रू द्रव के थ्रू या गैस के थ्रू क्या होगा जवाब डू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइड और जवाब देते चलिए ए बी सी आर डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करेक्ट आंसर टू ऑप्शन नंबर ए निर्वात में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल पॉल्यूशन ऑफ आजकल बड़े बड़े शहरों में जहां uh, औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा औद्योगिक कंपनियाँ ज़्यादा हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पे मिल कारखाने ज़्यादा हैं तो हवा में पोल्यूशन एस का कंसंट्रेशन, कार्बन मोनोक्साइड का कंसंट्रेशन नाइट्रोजन कंपाउंड का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लेड कंपाउंड्स का बढ़ा रहता है। ऐसे कंडीशन में पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का इस्तेमाल किया जाता है अब वो हवा के प्रदूषण को कम करने के लिए जल के प्रदूषण को या फिर ध्वनि के या फिर ऊष्मा के तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हवा में मची जो प्रदूषण है जो पराली के जलने के कारण हो सकती इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से हो सकती इंडस्ट्रियल जो एयर वेस्ट होती है उनके वजह से हो सकती उसको वो क्या करे कम कर दे अगला सवाल टंगस्टन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है उसके धातु को बनाने तंतु को बनाने के लिए क्योंकि वो एक अच्छा चालक है वो काफी सस्ते में आ जाती है इट इज मैलिएबल मतलब उसे चादरों में ढाला जा सकता है या इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट या उसका गलनांक बहुत ज्यादा है तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर मुझे लगा कि कुछ लोग इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दे देंगे बेटा मैलिएबल का मतलब होता है जिसको चादर में ढाला जा सके अगर यहां डॉक्टर होता तो वो एक बयान होता क्योंकि डक्टाइल का मतलब है जिसे तारों में ढाला जा सकता है तो जिन्हें तारों में ढाला जा सके वही तो तंतु की तरह इस्तेमाल होगा ना तब बयान वो होता लेकिन जब मैलिएबल लिखा हुआ है तो मैलिएबल का मतलब है जिसे शीट्स में ढाला जा सके सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर अगला सवाल इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम वो वर्णक्रम जिसमें हम पदार्थों को देख सकते हैं जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं उसका तरंग दर्द क्या होगा तेरह से सो तीन हजार एंगस्ट्रॉम उनचालीस क्या हो गया उनचालीस सौ से सात हजार छह सौ एक्स्ट्रॉम अठहत्तर सौ से आठ हजार एंगस्ट्रॉम या पिचासी सौ से नौ हजार आठ सौ एंगस्ट्रॉम बताइए क्या होगा सही जवाब यस गोल्ड इज मैलिएबल तभी तो उससे अलग अलग डिजाइन बन जाते हैं इवन गोल्ड इज डक्टाइल एज वेल उन्हें तारों में भी ढाला जा सकता है राइट हां जी क्या होगा कोई बात नहीं प्रियंका याद आ जाती है बी 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 वनीषा नारंग बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी थर्टी नाइन हंड्रेड एंड स्ट्रॉ टू सेवेंटी सिक्स हंड्रेड द विजिबल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट प्रकाश की गति का सबसे पहले मापन किसने किया क्या वह गलीलियो थे या वह न्यूटन थे या फिर वो रोमो थे या फिर आइंस्टाइन थे तो आइंस्टीन ने जहां तक मुझे याद है उन्होंने तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने दिया था गैलीलियो गैलीलाई ने लॉ ऑफ ऑड नंबर्स या गैलीरियज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज इन्होंने दिया था रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति का कैलकुलेशन किया था तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर अगला सवाल व्हीकल पास जब एक वाहन गुजरती है टीवी रिसेप्शन गेट डिस्टॉर्टेड तो अगर घरों में आपकी टीवी चल रही होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी सिग्नल थोड़ी सी लेफ्ट राइट -right होती है मतलब थोड़ी सी एक डिस्टोर्शन uh, या फिर कह सकते हैं uh, हिंदी में अगर हम कहें तो एक झिलझिलाहट स्क्रीन पे आपको दिखती है दिस इज बिकॉज मेटल रिफ्लेक्ट रेडियोवेवस जो धातु होती है वो रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में परावर्तित करती है वो चुंबकीय कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है व्हीकल पोल्यूशन अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द टीबी कंपोनेंट्स या फिर व्हीकल्स या उस वाहन से निकलने वाली जो प्रदूषण है उससे टीवी अफेक्ट होती है या फिर मॉडर्न व्हीकल्स यूज इलेक्ट्रो इग्निशन सिस्टम या फिर

ये तो बड़ा आसान सा सवाल है जल्दी से बता दे तीस सेकंड भी ना होने दीजिएगा कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो किस विधि के वजह से नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन रासायनिक अभिक्रिया या ऑल ऑफ दीज और इसका सही जवाब फ्यूजन विल बी द राइट आंसर सबसे पहले जवाब दिया है शालिनी बदोनी दिव्यांश बल्यान बहुत सही सरु चौधरी बेबी कुमारी वनीषा नारंग न्यूक्लियर क्या वनीशा न्यूक्लियर क्या इट शुड बी न्यूक्लियर फ्यूजन यू हैव टू राइट इट फ्यूजन इज द राइट आंसर सनलयन फिशन गलत हो जाएगा फ्यूजन विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फिशन नहीं होगा सी इज द राइट आंसर हाँ मैंने देख लिया तभी मैंने करेक्ट कर दिया बेबी डोंट वरी ठीक है तो आज के सेशन uh, को यही विराम दिया जाए कल से आपकी सिलेक्शन सीरीज डे वन मॉडल पेपर वन मैं स्टार्ट करवाऊंगा डी ट्रिपल एस बी टीजीटी नेचुरल साइंस में जिन लोगों ने अपनी एनरोलमेंट नहीं कराई या आरपीएससी की जो इतनी तगड़ी वैकेंसी आई है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करे हो तो अभी भी समय है बच्चों क्या करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऐप को डाउनलोड करके टीचिंग का महापैक परचेज करना है परचेज करने के लिए आप कूपन कोड लगाओगे Y223 इससे फायदा क्या है मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा और बाकी वो सारी चीजें जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस पीडीएफ्स आपको ई e बुक्स और बाकी कंटेंट प्रोवाइड करी दी जाती है वो सब कुछ 24 महीनों के लिए अगर डबल वैलिडिटी मिलती है तो 24 महीने के लिए अदरवाइज 12 महीने के लिए हर आने वाले बैच में आपको मिल जाती है इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देता हूं आप अपना ध्यान रखें जय हिंद जय भारत किरण का सवाल है सर डी जो कोर्स एप्लीकेशन पे चल रहा है वहां टाइम ओके इट विल बी अपडेटेड देयर डोंट वरी है ना उसमें जो भी शेड्यूल के साथ आते हैं ना ऑटोमेटिकली आपको डैशबोर्ड में आपको दिख जाएंगे किरण जय हिंद